हेलो आनस, तुम आपको आए रहते हैं दोस्तों। फैन का रेगुलेटर रिपेयर करेंगे, ये वाला देख सकते हैं। रेगुलेटर आपको फैन को बड़ा छोटा अलग अलग आता है और दो टाइप का आता है, एक कट किट आता है, एक नॉर्मल वाला। ये नॉर्मल वाला है। तो सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि हर फैन का रेगुलेटर रिपेयर नहीं होता है, जुगाड़ से ही रिपेयर करना पड़ता है। 70-80% आपको वॉल्यूम का ही प्रॉब्लम होता है, इसमें भी वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। तो देखिए, सेम टू सेम वॉल्यूम मिल गया मार्केट में तो ठीक है, तो वॉल्यूम को कैसे रिपेयर करना, कैसे जुगाड़ करना है, इस वीडियो में आपको आराम से पता चल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, डिसलाइक करना आपके ऊपर है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप का हल आया है आपका, तो इसको कैसे खोलना है आप लोग देखिए। ये वाला वाल वाला है आपका, इसको इजी खुल जाता है। देखिए आप देखेंगे कहीं नट नहीं है। सबसे पहले इसको चाहे तो इसको खोल के हटा सकते हैं आप लोग, ये हट गया, इसको हटा सकते हैं। चाहे तो यहाँ से खोलना चाहते हैं यहाँ से खोल सकते हैं, या इसमें थोड़ा इधर चाड़ेंगे, यहाँ से हल्का हल्का चाड़ेंगे तो ये निकल जाता है। यहाँ से भी ऊपर से निकाल सकते हैं, आपको इसको खोलना ही पड़ेगा। ये निकल गया आपका, तो आप इधर से देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ का कुछ भी, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। ट्राई का ये आपका, या BT 136-37 ऐसा कुछ लगता है, इसमें नंबर देख लेंगे, खोलेंगे तो हम लोग। तो इसमें से इधर कहीं कुछ कॉइल ऑयल का भी कुछ को प्रॉब्लम नहीं होता, वो प्रॉब्लम ज़्यादा वॉल्यूम में होता है। अभी भी हमारा प्रॉब्लम वॉल्यूम में ही है। और आप चाहेंगे तो इसको मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद और बात करते हैं हम लोग आराम से। ईजी खुल जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं देता है, और लग गया आराम से जाकर। ये खुल गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया। तो अपना देखिए इस टाइप का अब पड़ा रहेगा। और कुछ वॉल्यूम आपका ख़राब नहीं है तो अच्छी बात है, जो भी इधर का ख़राब रहेगा मिल जाएगा। कैपेसिटर कॉइल का कॉइल भी ख़राब होगा तो कहीं स्टार टूटा होगा, उसको सोल्डिंग वोल्डिंग करेंगे तो होगा, PF का प्रॉब्लम नहीं रहता है। और ये नंबर कौन सा मैं दिखाना देखता हूँ, तो ये आपका दिख नहीं रहा अच्छा से, इसको इधर से करता हूँ मैं। BT 136 है, यहाँ BT 136 वही चाहिए, BT 136 लगाइए इसमें, वही लगे रहता है ज़्यादातर वॉल्यूम में, सॉरी फैन के रेगुलेटर में। अब देखिए ये दो टाइप का वॉल्यूम हो गया, जैसे आपको CRT में आता था ना पहले, जो सादा TV था, एक बार कट करेंगे तो बंद होता था ये देखिए, और इसको चालू करेंगे तो उस टाइप का वॉल्यूम है। लेकिन अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है अपना देखिए, ये वाला वॉल्यूम का मान कितना है आप लोग देख लीजिए, अच्छा 600 के। तो 600 का जल्दी से मिलेगा ही नहीं मार्केट में, खोजते रहेंगे पागल हो जाएंगे, अब टेंशन आ जाएगा, लेकिन ये वॉल्यूम मिलने वाला नहीं है। तो देखिए सेम टू सेम मिल गया, 300 के मिल गया, 400 के मिल गया। तो देखिए बीच वाला यूज़ मत करना, अब इधर उधर का सेम टू सेम करके कर सकते हैं, सेम टू सेम मिलेगा ही नहीं मार्केट में, इसलिए इसको फेंक दिया जाता है। तो हम लोग अब जुगाड़ क्या करेंगे, इसको जुगाड़ ही कर सकते हैं। तो आराम से इसको खोल लेना, पहले ये ऊपर का ना, ये देखिए इसको आराम से खोलो ना, देखना हाथ को बचा के, नहीं तो हाथ कांटी की जय हो जाएगी, क्योंकि एक बार मेरा घुस चुका है, आराम से घुस जाता है। पेचकस से जोर से थोड़ा सा मारेंगे तो घुस जाएगा, आराम आराम से इसको निकालेंगे यहाँ से, ये निकल जाएगा। इसके बाद इसको आराम से इसको भी निकाल लेंगे, ये देखिए फंस रहे ना, तो इसको और साइड कर देना। ये देखिए थोड़ा सा इधर किया तो हाथ गया मेरा, तो आराम से इसको करेंगे, हड़बड़ाना मत। ये निकल गया, ये निकल गया, ये देखिए इसको ऊपर का पहले निकाल देता हूँ। ये देखिए ये निकल गया, इसके बाद इसको भी थोड़ा प्लास इधर साइड साइड कर देता हूँ मैं, ये हो गया। अब देखिए इस टाइप का निकल गया है, इतना निकाल चुका हूँ मैं, इसको ऊपर का था, इसको आराम से इसको निकाल लिया हूँ, ये निकल गया। इसके बाद ये भी पलटी हो जाएगा, देखिए ये हुआ निकल गया। अब इसको यहाँ से खींच के इसको निकाल लेंगे, ये निकल गया। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या था अपना, तो इसको थोड़ा नीचे रख दो, इसको आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। देखिए ये जो कार्बन है ना, इसको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये देखिए एक जो कार्बन दिख रहा है यहाँ का, यही कट गया है, ये देखिए यही कट गया है आपस का, ये पूरा गड्ढा हो चुका है यहाँ का। अच्छा से देखेंगे इसको तो मैं दिखाऊंगा अच्छा से आपको, देखिए ये गड्ढा हो चुका है यहाँ पूरा। देखिए दोस्तों इसको कुछ जुगाड़ किया हूँ मैं, क्या किया हूँ देखिए, इसमें तो 600 के का मार्केट में मिलने वाला है नहीं वॉल्यूम, और सेम टू सेम वॉल्यूम भी मिलने वाला नहीं। मिल गया तो सही, आप लगा सकते हैं इजी, पूरा निकालना चाहिए आधा, जैसे आधा निकाल कैसे लगाएं वैसे लगा सकते हैं। देखिए जुगाड़ किया हूँ क्या, 100K का मिल जाता है आप लोगों को इजी मार्केट में, ये देखिए 100K का ही है और 600K का ही है, 600 का निकाल दिया हूँ। अब बोलेंगे भाई इसमें दो टांग का यूज़ किया है, इसका नहीं किया, तो देखिए यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देखेंगे ना, तो ये वाला इससे जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, अच्छा से देखेंगे तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से आप लोग देखेंगे ना, ये जो यहाँ से जुड़ा हुआ है तो ये ऐसा जुड़ा हुआ है, तो हम लोग को भी सेम टू सेम इसको करना है। तो इसको क्या किया हूँ मैं, इसको देखेंगे आप लोग यहाँ से अंदर से देखेंगे, तो देखिए यहाँ से मैं जो ये टांग वाला है इसको इसी में जोड़ दिया हूँ यहाँ पास, और हम देखेंगे इसको यहीं से जोड़ दिया हूँ,
ये दोनों शॉर्ट रहना चाहिए, गलती से इसको इधर मत कर देना। तो बंद करेंगे तो चालू होगा, चालू करेंगे तो बंद होगा, जस्ट वॉल्यूम का जानते हैं कैसे काम करता है। तो ध्यान देना इसको इधर ही जोड़ना है आप लोगों को। और मान लीजिए आपको उल्टा काम कर रहा है तो इसको निकाल के इधर जोड़ लेंगे। ओके, इसको खाली इसी को निकालो, और इसको कहाँ से निकाला इसको थोड़ा जान लीजिए आप। तो देखिए पहला वॉल्यूम को मैं तोड़ा था ये वाला को, तो यहाँ से निकल जाएगा सोचा, इसको यूज़ कर लूँगा मैं, लेकिन ये नहीं टूटा। आंटी के जय हो गए, दिमाग ख़राब हो गया, हाथ इधर से घुस गया, यहाँ से यहाँ घुस जा रहा है। तो ये हो गया। तो मैं क्या किया हूँ, ये डबल वॉल्यूम आप जान रहे हैं, डबल साइड वाला, डबल चैनल का, तो डबल चैनल को ऊपर से निकाला तो ईजी इस टाइप का निकल गया आप लोगों का, ये वाला जो इसमें मैं लगाया हूँ। जैसे निकालेंगे इसको वैसे ही लगाना, नहीं तो नहीं लगेगा। तो देखिए ये 600 के का लगा था, इसको सेम टू सेम मैं यहाँ से लगा लिया, बस यहाँ से ये जो अंदर से दिया रहता है इसको ऐसा जोड़ा हूँ मैं। अब ये लग गया तो भाई बोलेंगे कि ये 600 की जगह 100 काम करेगा। देखिए करेगा, थोड़ा सा उटपटांग काम करेगा। उटपटांग के मीन्स क्या होता है आप लोग जानेंगे, ये थोड़ा लेट से बढ़ाने से धीरे 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 बढ़ रहा था पंखा की स्पीड जो है, धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसमें क्या होगा, थोड़ा जल्दी बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, और बात रही इसका, ये वाला का, तो इसको आप चाहे तो देखिए यहाँ से निकल के जो इसमें है इसको लगा सकते हैं ये वाला जो है, लेकिन ये काम चल जाएगा। इसको हल्का सा मैं कार्बन तो ही लगा था, कार्बन को हल्का सा घिस दिया हल्का सा, उसके बाद हल्का सा उठा दिया, काम ये चल गया। अब क्या करना है आप लोगों को, जैसे खोले थे वैसे ही इसको फिट करना है। तो खोलने देखिए, इसको एक बार ध्यान देना जो अंदर में है स्विच, इसको इसके जो लग रहा है इसमें इसको आराम से लगाएंगे, नहीं तो दिक्कत होने वाला है आप लोगों को। ये लग गया, ये लगने के बाद इसको ये अंदर घुसा दिया, ये बैठ गया यहाँ पास, ये बैठा। देखिए बैठने चाहेगा नहीं जल्दी से, आप बैठाएंगे तो दिक्कत देगा। तो ये जो लगाए यहाँ सोल्डिंग से आप निकालेंगे लगाएंगे, उसको थोड़ा ध्यान से लगाना तो अच्छा रहेगा। और जिसमें से इसको खोले थे ऊपर वाला, उसी को इसमें लगा देंगे, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट इसको लगाना नहीं है आप लोगों को, इसको लगाने के बाद इसको ऐसे पकड़ना है, हल्का सा घुमा के देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो अपना स्विच था बंद चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हुआ, बजा आपका आवाज़, ये हुआ, बंद चालू होना चाहिए, कट से किया तो उसको हम लोग आराम से सेट करेंगे इसको, तो सही हो जाएगा ये। तो इसको पैक अप करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं पूरा फिट कर दिया था अच्छे से आराम से, जैसे जैसे खोलेंगे वैसी लगाना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है लगाने खोलने में। ओके, तो और इसको ही ध्यान देना, जब इसको निकालेंगे ना ऊपर का जो इसको ढक्कन को इसका, तो ढक्कन को ध्यान देना कि ज़्यादा ज़ोर से मत मारना इसका, ज़्यादा ज़ोर से यहाँ से ढक्कन टूटा तो फिर कोई मतलब नहीं, ये बने को नहीं, ये पूरा आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे ना तो दिमाग पूरा गर्म हो जाएगा। आपको सेम वॉल्यूम 600 के का भी मिल रहा है ना मार्केट से, तो उस वॉल्यूम को खोल लेना, बस इसको निकाल लेना, इसको निकाल के डायरेक्ट ऊपर से लगाएंगे तो टेंशन नहीं जाएगा आपको, ये चीज़ आप जान लीजिए। ओके, मैं लगा लिया हूँ इसको, देखिए क्या क्या किया हूँ, ये कनेक्शन में कर दिया था, ये लगाया हूँ यहाँ से, ये लगा हुआ है आपका, ये वॉल्यूम है, ये आपका बल्ब लगाया हूँ 100 वाट का बल्ब है, तो इससे हम लोग काम इसका हो जाएगा। सिर्फ हम लोग को चेक करके दिखाना है, काम नहीं कर रहे थे। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग काम कर रहा है, जैसे इसमें हम लोग कम करते थे तो पूरा कम हो जाता था ना, मतलब डीम टाइप का हो जाता था। और इसमें क्या होगा, इसमें ये दिक्कत होगा कि हल्का सा मीडियम घूमते ही रहेगा पंखा, जैसे हम लोग पूरा इसको कम कर देते तो कम नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या है हल्का हल्का घूमते रहेगा, लेकिन जब फुल करना है तो फुल करेंगे तो फुल काम करेगा आपका, बस यही चीज़ है। तो देखिए ये पूरा कट गया था, ये कटा इसलिए यहाँ से पूरा गड्ढा हो गया, आप लोग ध्यान देंगे ना, तो इसलिए काम ही नहीं कर पा रहा था। मैं इसको लगाने की कोशिश किया, कार्बन ओवर मारने की कोशिश किया, लगाया एक बार लेकिन काम नहीं किया, इसीलिए मेरे को इसको वॉल्यूम का इसमें निकाल के इसमें लगाना पड़ा, इसमें आपका काम हो गया। तो मैं अब इसको लगाता हूँ, उसके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तो बहुत सावधानी से करेंगे, ये देखिए ये लगा दिया मैं, लगाने के बाद इसको मैं पकड़ लेता हूँ, थोड़ा सावधानी रखेंगे नहीं तो अंटी जाए। ये देखिए चालू हो गया, ये बंद हो गया। ओके, ये चालू किया मैं, इसके बाद देखिए ये वोल्टेज हल्का सा जल रहा है, इसमें ज़्यादा फुल दिखा रहा है लेकिन डीम है अभी, इसको मैं और बढ़ाऊँगा इसमें पता नहीं चलेगा। एक काम करता हूँ मैं, पहले ऊपर का लाइट बंद कर देता हूँ मैं, यहाँ का ये लाइट बंद कर दिया और इधर का भी लाइट बंद कर देता हूँ। ये देखिए लाइट बंद कर दिया, थोड़ा संभाल के नहीं तो दे देगा अच्छा खासा। ये देखिए ये बढ़ाया, ये देखिए बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हुआ, ये बढ़ गया, ये बल्ब जल जाएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक रखा तो क्योंकि धुआं फेंक रहा है, इसको निकाल देता हूँ, ये हो गया क्योंकि गर्म हो रहा है ना, इस अंदर देख ले धुआं धुआं निकल रहा होगा आप लोग देखेंगे। मैं लाइट चालू कर लेता हूँ,
ये लाइट चलोगे, पूरा गर्म हो गया है अच्छा खासा, ये सही काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि गलत काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, सही कर रहा है, लेकिन हम लोग पूरा कम करके नहीं होता कि हल्का 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 घूम रहा है, वैसा नहीं घूम रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो ये लेकिन रिपेयर हो गया, आप इतना सह सकते हैं। तो कोई से वॉल्यूम आपका घर में पड़ा हुआ है या मार्केट से 100K का या 300K का जो भी ज़्यादा के का मिल रहा है उसको लाइन तो और अलग काम करेगा, 200 के का भी मिल जाता है, मार्केट अलग अलग है, आपको मार्केट से जितने के का मिल रहा है ज़्यादा का 600 को मेरा तो अच्छी बात है, सेम लगाएंगे और लगाएंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, 5 से 10 रुपये का आने वाला है ये वॉल्यूम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, डिसलाइक करना आपके ऊपर है। चलो दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं, आपके दिन बहुत बहुत शुक्रिया।